जूलॉजिकल पार्क में पिछले दिनों हुई तेंदुए की मौत में लापरवाही उजागर। जांच में मिली जू में कई तरह की लापरवाही। जू में तेंदुए की मौत के पीछे जू प्रबंधन पर भारी अनियमितता। जू में उत्पाद प्रबंधन से निपटने का कोई उपाय नहीं। जिला पशुपालन पदाधिकारी को बिना सूचना के तेंदुए का कर दिया गया पोस्टमार्टम। अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी ने किया उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। JSSC की वैकेंसी में कई खामियां। मुख्यमंत्री के नाम का मांग पत्र DC को। राज्य में शिक्षकों की भारी कमी। सुधार के साथ शिक्षक बहाली की प्रक्रिया विलंब शुरू किए जाने की मांग। संगठन में आयु सीमा में छूट की मांग भी रखी। 4 माह से लापता पति की तलाश में SSP ऑफिस पहुंची पत्नी। परसुडी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। SSP से पति को ढूंढ निकालने की लगाई फरियाद। पति का अपने पिता व बहनोई से था जमीन को लेकर विवाद। पति के गायब होने के बाद से 2 बच्चों की परवरिश पर संकट। आइए बात करते हैं टाटा जूलॉजिकल पार्क में तेंदुए की संदिग्ध मौत को लेकर वन विभाग द्वारा किए गए खुलासे की। बीते 21 अगस्त को तेंदुए मिथुन की मौत के मामले में वन संरक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट DFO को सौंप दी है। जांच में टाटा स्टील जू प्रबंधन की लापरवाही से तेंदुए की मौत होने की बात कही गई है। रिपोर्ट में टीम की ओर से पाया गया है कि जू में आपदा प्रबंधन को लेकर कोई उपाय नहीं किया गया है। इसके अलावा फ्लड एक्शन प्लान में भी खामियां पाई गई हैं। बताते चले कि DFO ममता प्रियदर्शी ने खुलासा किया है कि जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जू में आपदा प्रबंधन को लेकर कोई उपाय नहीं किया गया है। जू में जहाँ तेंदुआ की मौत हुई है वहाँ फास्ट फूड बनाया जाना था पर वो नहीं पाया गया। जू के एक कर्मी ने बताया कि जिस तेंदुआ की मौत हुई है वो लंगड़ा रहा था। इसके अलावा वो बूढ़ा भी हो गया था जिस कारण वो बाढ़ का पानी भर जाने के बाद ऊंचाई पर नहीं जा सका। ये जानते हुए भी उसके बचाव का पूर्व से कोई उपाय नहीं किया गया। इससे जू प्रबंधन की लापरवाही साफ झलकती है। इसके अलावा जू प्रबंधन ने आनंद फानंद में तेंदुआ का पोस्टमार्टम कर दिया जबकि पोस्टमार्टम करने के लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी को सूचना देकर अनुमति लेना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट से ये निष्कर्ष निकला है कि जू में जानवरों को ऊपरी जगह पर ले जाने की जरूरत है। जू के अस्पताल में एक पैथोलॉजी लैब की जरूरत है। OPD OT सर्जिकल टेबल को अपग्रेड करने की जरूरत है। इमरजेंसी में वेटनरी मेडिसिन की जरूरत है। इसके अलावा जू में सभी जानवरों के बाड़े में CCTV कैमरा भी लगाने की जरूरत है। जैसा कि पता है कि टाटा जू में दिनांक 25/8/22 को एक जांच टीम ने जांच किया था। ये जांच एक नर तेंदुआ की मृत्यु से संबंधित था। आज दिनांक 1 सितंबर को ये जांच टीम ने अपना जांच रिपोर्ट समर्पित कर दिया है। जांच रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो कई बिंदुओं पे सबसे पहले ध्यान आकृष्ट किया गया है। मैं एक समरी में जांच रिपोर्ट बता देती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है, तो डिज़ास्टर प्लानिंग का एक मास्टर प्लान बनाया गया था जिसे हम मिटिगेशन प्लान भी कह सकते हैं। इस मिटिगेशन प्लान का क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन टाटा जू के द्वारा, जू मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जाना था। इस मैनेजमेंट में लैप्सेस पाए गए हैं, कमी पाई गई है, जिसकी वजह से भी इस तेंदुए की मृत्यु हुई है। साथ में अगर हम बात करें उनके द्वारा जो फ्लड एक्शन प्लान बनाया गया था, फ्लड एक्शन प्लान में उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स मेंशन किए थे। उसमें भी अगर हम देखें तो लैप्सेस के रूप में जैसे उन्होंने मेंशन किया है, एक एग्जांपल है कि फर्स्ट फ्लोर एक क्रिएट करना था तो उसकी जगह पे केवल एक छज्जा बना दिया गया है, या वुड के स्टेयर्स बनने थे तो स्टेयर्स की जगह केवल वुड के पीसेस को रख दिया गया है। तो इस तरह के लैप्सेस का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो फ्लड एक्शन प्लान में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से समन्वय बिल्कुल भी नहीं था, इसका मेंशन इस रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा
जो गाइडलाइंस दी गई है उसमें कुछ सेक्शंस जैसे रूल 10 हैं, और रूल 10 ये कहता है कि लोकल वेटरनरी यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल जो है उससे टाटा जू को एक अग्रीमेंट करना चाहिए था। इस अग्रीमेंट के तहत उन्हें जितने भी हमारे वेटरनरी ऑफिसर्स थे वो अपना मार्गदर्शन या अपना गाइडलाइंस या अपना सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते। तो ये टोटली इस रूल का, रूल 10 सब रूल 31 जो है उसका बिल्कुल ही वॉयलेशन है। ऐसा कोई भी अग्रीमेंट इन इस जांच टीम के द्वारा नहीं पाया गया। साथ में जो हमारी हेल्थ एडवाइजरी कमिटी जो बननी चाहिए थी, जो एक्सपीरियंस्ड वेटरनेरियन डॉक्टर्स सीनियर वेटरनरी ऑफिसर्स का, उसका भी गठन नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्यूना या प्रशासनिक लापरवाही कही जा सकती है। इसके अलावा अगर हम तेंदुए के मृत्यु के कारण और परिस्थितियों को देखेंगे तो एक चीज़ जो सामने आई है वहाँ के स्टाफ के बयान में कि जो तेंदुआ था वो ऑलरेडी लंगड़ा रहा था। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो पेड़ पे चढ़ जाएगा, और अगर उसे पेड़ पे चढ़ाना था तो उसके लिए क्या इंतज़ाम किए गए थे, इस बारे में उस बिहेवियर जो एनिमल बिहेवियर होता है इसके बारे में कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पाया। दूसरा कि दो, जैसा कि आप जानते हैं कि दो लेपर्ड्स थे, दो लेपर्ड्स एक मेल एक फीमेल। अब अगर हम एनिमल बिहेवियर की बात करें तो ये जो मेल था ये एक रेस्क्यूड लेपर्ड था जो कि एक पेट वातावरण से आया था, मतलब रेस्क्यूड पेट लेपर्ड था। और जो ये फीमेल है ये वाइल्ड कंडीशंस में रहने वाली लेपर्ड है। तो एक पेट कंडीशंस और एक वाइल्ड कंडीशंस दोनों को एक साथ रखा गया, तो क्या दोनों का बिहेवियर सेम था या नहीं था, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। साथ में फ्लड आने की वजह से जो एनिमल मैनेजमेंट किया जाना था उसमें अलग अलग प्रावधान है, वो उसमें लैप्सेस पाए गए हैं, वो प्रावधान नहीं किए गए थे, जिसका कि स्पष्ट मेंशन इस रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा कुछ रिकमेंडेशंस, इसका जो कंक्लूजन किया गया, जू एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स करेक्टिव मेजर्स। इसके अलावा रिकमेंडेशंस दिया गया है जिसमें कि नए इनक्लोजर्स बनाने की बात की गई है और एनिमल्स को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, लो लैंड से अप लैंड पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है जहाँ की अच्छे से पता है कि बाढ़ का पानी आएगा ही। इसके अलावा जो एग्जॉस्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की घटना दुर्घटना दोबारा ना हो। इसके अलावा एक पैथोलॉजिकल लैब की भी ज़रूरत है जिसमें कि ये सारे जो टेस्ट होते हैं या जो फैसिलिटीज़ होते हैं वो आराम से हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वेटरनरी हॉस्पिटल में OPD, OT, सर्जिकल टेबल, एनेस्थीशिया की फैसिलिटीज़, इस तरह की चीज़ें और अपडेट होने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके इमरजेंसी वेटरनरी मेडिसिन की भी कमी पाई गई, वहाँ पे नहीं था अवेलेबल। उसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेजर लैप्स ये था कि नाइट में कोई भी जू कीपर नाइट ड्यूटी में नहीं लगाया गया है। तो इतने सारे एनिमल्स, लगभग 20-22 एनिमल्स जो जू में रह रहे हैं उस उनके लिए कोई भी नाइट गार्ड नहीं होना अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। CCTV कैमराज आजकल बहुत कॉमन है, फिर भी कहीं भी ये कैमरा केज में इंस्टॉल नहीं किया जाना भी अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स की गिनती में ही आएगा। तो इन सारे लैप्सेस का मेंशन इस रिपोर्ट में किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 55 है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA जो होंगे, अगर कोई भी वॉयलेशन चैप्टर 4A में होता है तो उसका कॉग्निजेंस उन्हें लेना है। तो इसीलिए CF जमशेदपुर के द्वारा ये पूरा जांच रिपोर्ट और अपना मंतव्य के साथ ये भेजा जाएगा उनको, और उसके बाद वो विधि सम्मत कार्रवाई इसमें करेंगे। चलिए बात करते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी द्वारा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किए जाने की। JSSC द्वारा हाल ही में निकाली गई नियुक्ति प्रक्रिया
नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में अविलंब सुधार की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा है। इस दौरान सरकार की उदासीनता के खिलाफ बेरोजगारों ने नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी राज्य में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अविलंब शुरू किए जाने की मांग कर रहे थे। साथ ही इन परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने, लैब असिस्टेंट की बहाली में केवल प्रतिष्ठा के विषय को प्राथमिकता दिए जाने और पीजीटी शिक्षक नियुक्ति 2022 में गृह विज्ञापन, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, उर्दू और क्षेत्रीय भाषा को शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि बीएड पीजी के अपीयरिंग स्टूडेंट्स को भी पीजीटी प्लस टू नियुक्ति प्रक्रिया में आवेदन करने की अनुमति दी जाए। पीजीटी प्लस टू में जो बहाली आई है, इसमें बहुत सारे ऐसे विषय है जिनको शामिल नहीं किया गया है। इस तरीके से राजनीति विज्ञान को शामिल नहीं किया गया है, समाज शास्त्र को शामिल नहीं किया गया है, साथ ही साथ जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उर्दू है, संथाली है, इन सभी विषयों को शामिल नहीं किया गया है। तो आज हम लोग इसी डिमांड को लेकर के आए हैं कि सभी विषयों को शामिल किया जाए, साथ ही साथ जो लैब असिस्टेंट है, इसमें प्रतिष्ठा के विषय को जो है प्राथमिकता नहीं दी गई। हम लोग यही मांग करते हैं कि प्रतिष्ठा के विषय को प्राथमिकता दी जाए, साथ ही साथ जो पीजी अपीयरिंग स्टूडेंट है, जो बीएड अपीयरिंग स्टूडेंट्स है, उन लोगों को भी इसमें मतलब आवेदन करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये आती है 5 साल 8 साल बाद। इसमें अगर ये लोग अभी आवेदन नहीं कर पाएंगे तो उन लोगों को फिर 7 साल 8 साल वंचित रह जाना पड़ेगा। तो इसी डिमांड को लेकर के हम लोग आए हैं और आज हम लोग यहाँ पर जिला कार्यालय में आए हैं, पूर्वी सिंहभूम जिला कार्यालय पर, और हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट यूथ स्ट्रगल कमेटी की ओर से आए हैं। तो हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि ये जो हमारे मुख्यतः 3 डिमांड्स हैं, इनको पूरी की जाए। मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ स्ट्रगल कमेटी है, इसकी ओर से हम लोग और जोरदार जो है अपने आवाज़ को बुलंद करेंगे। राज्य स्तर अगर जाना पड़े तो राज्य स्तर में जाकर हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अपनी जो मांगे हैं इसको लेकर के हम लोग। चलिए बात करते हैं गोविंदपुर की महिला द्वारा अपने गुमशुदा पति की खोज के लिए एसएसपी से गुहार लगाए जाने की। जमशेदपुर के गालोडी थाना क्षेत्र निवासी मयंक दास पिछले 4 महीनों से लापता है। इसको लेकर मयंक दास की पत्नी बेबी दास दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है। गोविंदपुर थाने में बेबी द्वारा लिखित सूचना दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने इस दिशा में कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि मयंक दास गोविंदपुर स्थित अपने ससुराल में रहता था। यही रहकर फर्नीचर की एक दुकान में काम करता था। मयंक का पैतृक घर गालोडी में है। घटना के दिन मयंक अपनी पत्नी से गालोडी जाने की बात कहकर घर से निकला था। उसके बाद से वो वापस नहीं लौटा। पति का पता लगाए जाने की मांग को लेकर बेबी दास गुरुवार को जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय पहुंची और अपने पति को ढूंढ निकालने की फरियाद लगाई। बेबी दास के साथ मौजूद भाजपा नेता बिमल बैठा ने बताया कि बेबी दास पति के गायब होने के बाद से बीमार रहती है। उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। बेबी दास ने बताया कि उसके पति का अपने पिता और बहनों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मामला गोविंदपुर का है। गोविंदपुर की एक महिला है, इनके हस्बैंड 4 महीनों से गायब है और लगातार ये लोग प्रयास कर रहा है, थाना, पुलिस स्टेशन, एसपी ऑफिस, सभी जगह ढूंढने का कोशिश कर रहा है, मगर कोई इनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और कभी कभी थाना में जाकर बैठ जाती है तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे थाना में इनको प्रेशर देने में टाइम लग रहा है कि भाई मेरे पति को जैसे भी खोज के लाए, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो मामला है गालोडी का, गालोडी, मगर ये लोग रहते हैं गोविंदपुर में, मगर इनका जो आपका ससुराल है वो गालोडी में लग रहा है। देखिए अभी 4 महीने हो गए हैं, अभी तक ऐसे तो कुछ बताया नहीं जा सकता है, मगर हम लोग यही गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से जल्द उसको खोज के निकाले, क्योंकि इनके पास दो छोटे बच्चे हैं, इनका तबीयत भी खराब रहता है और इनका कोई पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। आज हम एसपी के पास आए हैं अपने पति के खोजने के लिए, नयन दास 4 महीना से कुछ ऐसे ड्यूटी जा रहे बोल के घर से निकला है, फर्नीचर में पहले भी आ चुके हैं तो कुछ नहीं करवाए, नहीं किए कुछ एसपी से। कहाँ रहते हैं आप? हम गोविंदपुर में, मेरे मायके हैं गालोडी में, ससुराल है। थाना गए थे आप? सब थाना गए थे, साथी थाना गए थे, महिला थाना गए थे, गालोडी थाना गए थे। तो कुछ सुनवाई नहीं हुआ? नहीं कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आप क्या मांग कर रहे थे? यही जल्द से जल्द मेरा पति को खोज के लाए, मेरे दो लड़का लग रहा है तो सब मेरा ससुर से और ये से मेरे नंदोई से थोड़ा सा लग रहा है सब, वो लोग साथ हो रहा था आपके पति से। हाँ क्या चीज़ ऐसे जमीन जाएगा के लिए। मंगलवार को घर गए थे, बुधवार से गायब है, मंगलवार से उसके पापा से पास गए थे। अब बात करते हैं जाड़ी में चल रही नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता की।
नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विभिन्न आयु वर्ग के प्रतियोगियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें 14 वर्ष, 17 वर्ष और 19 आयु वर्ग के प्रतिभागी शामिल होंगे। इसके अलावा जोन लेवल, रीजनल और रेंज लेवल के प्रतियोगी इसमें हिस्सा लेते हैं। प्रतियोगिता के आयोजक CS फ्रांसिस ने बताया कि इस बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागियों को मैच में हिस्सा लेने को बुलाया गया है। देश के 10 जोन से 229 प्रतिभागियों के बीच नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन जमशेदपुर के JRD में जमशेदपुर से सिटी SP के विजय शंकर द्वारा किया गया। सिटी SP ने दीप प्रज्वलित कर इस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस मौके पर बॉक्सिंग के खिलाड़ियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें देशभक्ति से लेकर कई तरह के गीत संगीत प्रस्तुत किए गए। इस चैंपियनशिप में जमशेदपुर के 10 स्कूलों ने मिलकर देश भर के स्कूली छात्रों को न्योता दिया है। ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा और तीसरे दिन विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। हम लोग 11 स्कूल से जमशेदपुर का ये होस्ट कर रहे हैं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया 10 जोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल 229 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ये 3 कैटेगरी में होता है, अंडर 14, अंडर 19, अंडर 17, 3 कैटेगरी में। ये 3 दिन चलेगा, आज इनॉग्रेशन में थर्ड को क्लोजिंग से इज द CTS विजय शंकर। उसको पॉपुलराइज करना स्टूडेंट लोगों का बीच में, इसका मेन। बात करते हैं परसोडी के सुपोडेरा में न्यू यूथ बॉयज क्लब द्वारा प्रेस क्लब के अध्यक्ष पुतुल सिंह व भाजपा नेता अभय सिंह को सम्मानित किए जाने की। परसोडी के सुपोडेरा पूर्वी टोला में गणेश पूजा के अवसर पर बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय सिंह व प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत सिंह और पुतुल सिंह को कमेटी द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में अभय सिंह ने कहा कि सुपोडेरा इलाके में इस तरह का भव्य पूजा पंडाल देखकर काफी अच्छा लगा। पूजा के अवसर पर न्यू यूथ बॉयज क्लब के अध्यक्ष गोलू सिंह, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद व रूपेश तिवारी ने भाजपा नेता अभय सिंह व प्रशांत सिंह और पुतुल सिंह को सम्मानित किया। अभय सिंह ने पूजा के आयोजकों को बधाई दी और कहा कि पंडाल देखकर क्षेत्र के लोगों के अंदर की धार्मिक व भक्ति भावना का पता चलता है। वहीं प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत सिंह और पुतुल सिंह ने आयोजकों को शुभकामनाएं व बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोग जागरूक व धार्मिक भावना से ओतप्रोत हैं। इस मौके पर भाजपा नेता अभय सिंह व प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। शुभ अवसर में मैं समस्त झारखंड और देश की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और विशेषकर आज जो हमने देखा कि जमशेदपुर के एक सुदूर इलाके में जहां पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, कुर्मी टोला सोपोडेरा में इस प्रकार के भव्य पंडाल का निर्माण कर यहां की युवाओं ने बिल्कुल ही धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का जिस प्रकार इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भगवान गणेश इनके आकांक्षा, इनकी अपेक्षा को जरूर आशीर्वाद देंगे और इस इलाके में एक भक्तिमय का वातावरण होगा। और आज तो गणेश जी पूरे हिंदुस्तान में अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरे हिंदुस्तान में पूरे गणेश भगवान के एक धार्मिक त्यौहार में वातावरण में लोग लगे हुए हैं, इसलिए मैं सारे लोगों को शुभकामनाएं बधाई देता हूं। आइए बात करते हैं दुमका की अंकिता हत्याकांड के खिलाफ झारखंड क्षत्रिय संघ द्वारा निकाली गई आक्रोश रैली की। दुमका की बेटी को एक तरफा प्यार में एक बहसी युवक द्वारा जलाकर मार दिए जाने की घटना के विरोध में बुधवार को झारखंड क्षत्रिय संघ ने कैंडल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग आक्रोश रैली में शामिल हुए। रैली में शामिल लोग हत्यारे को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे थे और राज्य सरकार पर तुष्टिकरण की नीति अपनाए जाने का आरोप लगा रहे थे। शंभू सिंह कर रहे थे।
हिरेली जुबली पार्क 2 नंबर गेट डीसी ऑफिस के सामने से पुराना कोर्ट होते हुए महाराणा प्रताप चौक मरीन ड्राइव गोल चक्कर तक पहुंची। रैली में शामिल लोग घटना के विरोध स्वरूप हाथों में कैंडल बैनर व तख्ती लिए थे। सभा को संबोधित करते हुए शंभु सिंह ने कहा कि राज्य में तुष्टिकरण की नीति नहीं चलेगी। दुमका में एक बेटी अंकिता की जंगनीय तरीके से हत्या कर दी गई है। वो 12वीं की छात्रा थी। एक तरफा प्यार में शाहरुख अंसारी नाम के युवक ने सोई अवस्था में पेट्रोल छिड़क कर उसके शरीर में आग लगा दी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शंभु सिंह ने कहा ये असहनीय है। इस तरह की वारदात को क्षत्रिय समाज और राज्य के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करने और दोषी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। वो फांसी होनी चाहिए, तुष्टिकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए। इस तरह का क्रूर जो जघन्य हत्या हुआ है यह बर्दाश्त के बाहर है। ये दोबारा और इस पूरे देश में नहीं होना चाहिए। हम लोग जो है झारखंड क्षेत्र से इसकी भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं सरकार से कि स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द जो है दोनों कातिल को जो है फांसी दिया जाए। बात करते हैं आजाद नगर में कार्य के दौरान छत से गिरकर मजदूर की हुई मौत के मामले की। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत चेपा पुल के समीप शमीम कसाई के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तीसरी मंजिल पर काम के दौरान 27 वर्षीय सरफराज आलम छत से गिर गया। आनंद फानंद में उसे बेहोशी की हालत में इलाज के लिए टीएमएच लाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत चेपा पुल के समीप शमीम कसाई के घर में तीसरी मंजिल पर काम कर रहे 27 वर्षीय सरफराज आलम की छत से गिरकर मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और सरफराज आलम को घायल अवस्था में टीएमएच में भर्ती कराया। टीएमएच के इमरजेंसी में उसका इलाज चल रहा था। इसी दौरान सरफराज आलम ने दम तोड़ दिया। परिवार के लोगों ने बताया कि सरफराज आलम पुट्टी मिस्त्री का काम करता था। शमीम कसाई के यहाँ पुट्टी का काम कर रहा था तभी ये हादसा हुआ है। सरफराज के दोस्त परवेज ने बताया कि सरफराज के पिता बीमार रहते हैं, घर में यही एक कमाने वाला था। सरफराज माता पिता के साथ बरही कॉलोनी में किराए के घर में रहता है। परिजनों ने प्रशासन से मामले की जांच कर शमीम कसाई से 10 लाख रुपए मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। ये आपका शमीम होटल वाला जो है वो आपके चेपोलों से घर भी है और होटल भी आगे होटल भी है। अच्छा। उसी घर में काम कर रहा था, वो थर्ड फ्लोर में काम कर रहा था, भाड़ा पे काम कर रहा था। अच्छा। तो एक और बंदा के साथ में था, दोनों बंदा काम कर रहा था। ये मतलब भाड़ा उठाने के चक्कर में या हो सकता है कोई बोला होगा जल्दी करो जल्दी करो है ना, इसकी वजह से भाड़ा से गिरा जिसके साथ सर में फटा, यहाँ चोट आया, उसके बाद वो बेहोश हो गया। तो डायरेक्ट एमजीएम लेके आया तो हमको फ़ोन किया कि ऐसा बात है, हम भी डायरेक्ट वहाँ से जोड़ के आए। उसके बाद एमजीएम में आने के बाद वहाँ पर ही बोला कि नहीं बचा, डेट के फिर भी हम लोग संतुष्टि नहीं हुआ। हम लोग यहाँ घर का एक ही बंदा है कमाने वाला, सर ताज आलम, ये बारिश क्यों नहीं रहते हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, अकेला बंदा है, फादर बीमार उसका रहता हमेशा, अभी कौन घर चलाएगा। शमीम के बगल में काम कर रहा है, शमीम का फर्ज बनता है कि उसको कुछ ना कुछ दे। उम्र उसकी 27 से 28 साल है, शादी भी ना वाले, अरे एक ही घर में चलाना है। उसका फादर का 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसका घर जो है उसका कोई नहीं कमाने लगा। उसका फादर है उसको 10 लाख रुपये जुर्माना जो भी उसका होता है 10 लाख उसको दे, वो अपना घर बनाए कहीं पर ही आराम से, उसका फादर लोग आराम से रहे, रेंट पे रह रहे हैं, न घर है न द्वार है। उनका फादर का 75-70 ईयर चल रहा है, अभी बीमार आदमी आप कब में है, अब 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। लड़का जिम्मेदार थाना एफ आई आर किया है क्या? हम लोग थाना एफ आई आर नहीं किया, हम लोग यहाँ है शमीम से हम लोग बात की। क्या वो बोलता है कि घर में बात करेंगे, घर में क्या बात करें, किसी का जान चले गया तुम सिर्फ पैसा 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 पैसा, जान का कोई कीमत नहीं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSC News की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।